एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस मौके पर अपना विरोध करने से नहीं चूक रही हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। मेरठ में उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर आने जाने वालों से भीख मांगी। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि मौजूदा केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने तानाशाही वाले फैसले लोगों पर थोप रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 17 सितंबर, और आज सभी युवा हम यहां पर भीख मांग रहे हैं। सरकार बिल्कुल रोजगार के देने के नाम पर बिल्कुल विफल हो चुकी है, और प्रदेश में इतनी हालत बुरी है कि लोगों को अब 5 साल संविदा पर नौकरी करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी करने के लिए। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, और हमारा यही निवेदन है कि आज हम सभी लोग इसलिए भीख मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शायद उनकी आँख खुल जाए। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कई जगह रोजगार को मुद्दा बनाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।